हेलो व्यूवर्स, आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज़ एपिडेमिक, पैंडेमिक एंड एंडेमिक डिजीज़ेस। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है जिसको सिर्फ साइंस के बच्चे नहीं बल्कि एक आम लोगों को भी हमें जानना चाहिए कि महामारी क्या होती है, कैसे फैलती है, हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। और एक लिस्ट है फ्रॉम 14th सेंचुरी टू टिल डेट कि कौन कौन सी महामारियाँ आज तक आईं और कैसे ये स्प्रेड होती हैं। सबसे पहले एपिडेमिक मींस ऐसी वो डिज़ीज़ जो बहुत ही रैपिडली स्प्रेड हो इन ए लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, बहुत जल्दी से फैले, एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन में बहुत कम समय में फैल जाए, इस तरह की बीमारी को हम लोग एपिडेमिक डिज़ीज़ कहते हैं। बट ये रिस्ट्रिक्टेड रहता है, एपिडेमिक डिज़ीज़ रिस्ट्रिक्टेड होती है कि वो केवल इस पर्टिकुलर कंट्री में फैला हुआ है या एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक फैला है, तो इस तरह की बीमारी को हम एपिडेमिक डिज़ीज़ कहते हैं। व्हेन दिस एपिडेमिक डिज़ीज़ स्प्रेड अक्रॉस ए लार्ज रीजन, जब ये लार्ज रीजन में अक्रॉस फैल जाए, वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में फैल जाए, तो ये पैंडेमिक डिज़ीज़ का रूप ले लेता है, इसको हम लोग तब महामारी बोलते हैं। इन ग्रीक वर्ड शब्दों में ग्रीक पैंडेमिक एक ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग होता है ऑल, मीन्स सभी के लिए भी ये बीमारी। स्पोरेडिक डिजीज़ का मतलब होता है कि दैट आर सीन ओकेजनली, रेयरली, ये कॉमन नहीं है कि हर साल किसी को हो रहा है या हर वक्त किसी को हो रहा है, बट इट इज़ रेयर ओकेजनली ऑकरिंग इन, और इसका कोई जियोग्राफिकल रीज़न डिसाइडेड नहीं है कि पर्टिकुलर इंडिया में ही ये डिज़ीज़ होगी, ये किसी भी देश में किसी भी समय किसी को हो सकती है। तो दैट इज़ कॉल्ड स्पोरेडिक डिज़ीज़। टिटनेस, रैबीज, प्लेग इसके एग्जांपल हैं। अगेन एंडेमिक डिज़ीज़ का मतलब होता है डिज़ीज़ दैट आर कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट, जो कॉन्स्टेंट लगातार हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, लगातार हमको बहुत पुराने समय से ये डिज़ीज़ हो रही है, इस तरह की डिज़ीज़ को हम लोग एंडेमिक डिज़ीज़ बोलते हैं, जो पर्टिकुलर रीज़न में जो है होगी। तो जैसे मलेरिया ब्राज़ील में, इंडिया में कॉन्स्टेंट समय, बहुत पुराने समय से कॉन्स्टेंटली बना हुआ है हम लोग के साथ, तो दिस डिज़ीज़ इज़ कॉल्ड एंडेमिक डिज़ीज़। एपिडेमियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विथ इंसिडेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉसिबल कंट्रोल ऑफ अ डिज़ीज़। तो एपिडेमियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कि डिज़ीज़ कैसे फैली, कैसे उसका हम कंट्रोल कर सकते हैं। और एपिडेमियोलॉजी की ही एक ब्रांच है इटियोलॉजी, जिसमें हम कॉजेटिव एजेंट के बारे में अध्ययन करते हैं, कॉजेटिव एजेंट के बारे में पढ़ते हैं कि जो है ये डिज़ीज़ किस एजेंट की वजह से हुई, किसकी वजह से हुई, उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेटिव एजेंट कौन सा है। अगेन जूनोटिक मीन्स जब भी कोई वायरस एनिमल से ह्यूमन को इन्फेक्ट करे, पहले वो किसी एनिमल में डिज़ीज़ कॉज करता था और एनिमल से ह्यूमन को अफेक्ट करे, तो इस टर्म को हम लोग बोलते हैं जूनोटिक। एनिमल से म्यूटेट होकर के वो ह्यूमन में डिज़ीज़ कॉज करे, जैसे नाउ डेज जो कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, तो कोरोना इज़ ए जूनोटिक डिज़ीज़। इस स्वाइन फ्लू इज़ ए जूनोटिक डिज़ीज़, जो बर्ड से, एप्स, एवियंस, बर्ड से जो है हम ह्यूमंस में स्प्रेड हुआ ड्यू टू द वायरस। अब हम लिस्ट देखेंगे 14th सेंचुरी से टिल डेट तक कौन कौन से डिज़ीज़ पेंडेमिक डिज़ीज़ के अंतर्गत आते हैं। तो द मोस्ट फैटल पेंडेमिक इज़ नोन एज ब्लैक डेथ इन ह्यूमन, काली मृत्यु, काला बेल, ब्लैक डेथ इन ह्यूमन हिस्ट्री, दैट इज़ कॉल्ड प्लेग। तो ये प्लेग 1347 से 1351 टू 1351 तक फैला इन यूरेशिया, उस समय यूरेशिया था, कहलाता था यूरोप और एशिया का मिला हुआ भाग, यूराल पर्वत इन दोनों के बीच में, दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में पाया जाता है, तो इस समय इसको हम लोग नए समय में बोलते हैं यूरोप एंड एशिया, टू दो अलग अलग कॉन्टिनेंट। लगभग 20 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी इस पेंडेमिक इरा के दौरान। प्लेग डिजीज़ कॉज्ड बाई बैक्टीरियम यारसीनिया पेस्टिस की, बैक्टीरिया के कारण ये फैलता था।
तो चूहों में ये बैक्टीरिया पाए जाते थे, और क्योंकि पुराने समय में जो है ट्रैवलिंग के लिए प्लेन और ये सब कुछ तो नहीं थे, जो भी ट्रैवल होता था वो मर्चेंट शिप से होता था, जो जहाज़ एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो ये चूहे उन जहाज़ों के ज़रिए एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, एक कंट्री से दूसरी कंट्री स्प्रेड हो जाते थे। तो इस तरीके से ये डिज़ीज़ उस समय लगभग 200 मिलियन लोगों की मौत का कारण बनी। इसके सिम्टम थे फीवर, हेडेक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन। तो प्लेग कॉमनली उस समय दो तरह का होता था, बुबोनिक प्लेग, BUBONIC बुबोनिक प्लेग, और न्यूमोनिक प्लेग। तो बुबोनिक प्लेग बहुत ही कॉमन प्लेग होता था, इसमें हमारे लिम्फ नोड्स जो है वो अफेक्ट होते थे, और ये बैक्टीरिया लिम्फ नोड को अफेक्ट करता था। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र बुबोनिक नहीं होता था, बट अगर हम उस समय इलाज ना करें उस इंसान का, तो वो बुबोनिक स्टेज से न्यूमैटिक स्टेज में फैल जाता था। वो बैक्टीरिया हम लोग के लंग्स में पूरा जो है डिज़ीज़ कॉज कर देता था, लंग्स को अफेक्ट करता था, जिसकी वजह से हमें न्यूमोनिक प्लेग हो जाता था। और न्यूमोनिक प्लेग जो है ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होता था। तो इस फिगर में हम देखेंगे, सबसे पहले जो आपका फ्ली है, ये पैरासाइट है ऑन रैट, पिस्सू बोलते हैं हम हिंदी में, रैट के ऊपर ये फ्ली जो है पैरासाइट होते थे। और जब भी कोई पिस्सू या फ्ली रैट के ब्लड को इनटेक करेगा, तो ये बैक्टीरिया उस फ्ली की बॉडी में चला जाएगा, और फिर उसकी बॉडी में ये जो है अपने आप को डिवाइड करेगा। और जब भी ये कोई फ्ली किसी आदमी के को कट करेगा, उसके वुंड, उसके घाव में जा कर के कट करेगा ये फ्ली, तो ये पिस्सू, तो ये डिज़ीज़ फिर ह्यूमन को अफेक्ट ह्यूमन के अंदर जो है ट्रांसमिट हो जाती थी। तो इस तरीके से चूहों से फ्ली में, फ्ली से फिर ह्यूमन में, तो इस तरह की डिज़ीज़ को हम लोग प्लेग बोलते थे। और ये बहुत ही लोगों में डेथ का कारण बना, जिसे हम लोग ब्लैक डेथ बोलते थे, दिस इज़ ब्लैक डेथ साइकिल। नाउ अगेन नेक्स्ट पेंडेमिक इज़ 1824, दैट इज़ कॉलेरा पेंडेमिक। कॉलेरा पेंडेमिक 19वीं शताब्दी में इंडिया में आउटब्रेक हुआ। इसका आउटब्रेक शब्द इस समय बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसका मीन्स होता है प्रकोप। तो जो है 19वीं शताब्दी में इसका प्रकोप कलकत्ता में फैला, बंगाल में। तो इसको हम लोग, क्योंकि हम इंडिया एशिया में है, और इसीलिए हम लोग इसको एशियाटिक कोलेरा पेंडेमिक भी बोलते हैं। और इस बीमारी को फैलाने के लिए जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो है बिब्रियो कॉलरी, ये एक बैक्टीरिया है। तो कॉलेरा, ये सपोज़ ये कोई ह्यूमन है जिसको जो है कॉलेरा का इन्फेक्शन है, इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, और अगर वो खुले में शौच है कर रहा है, फीसेस खुले में जा रहा है, तो ये पानी के माध्यम से हम लोगों के जर पास, या हम अगर किसी भी चीज़ को बिना धुले हुए खा लें, किसी फल को, कच्ची सब्जियों को बिना अच्छे से पकाए, या जो मक्खी होती हैं हाउस फ्लाइज, ये जो है उस फीसेस पे जा कर के बैठें, उस गंदगी पे जा कर के बैठें और फिर हमारे भोजन में आकर ये बैठ जाएं, या हम जो है सब्जियों को बिना धुले हुए पका लें, तो इस तरीके से ये हमारे फूड तक पहुंच जाएंगी, और फूड से फिर ये न्यू होस्ट फिर एक दूसरे इंसान को अफेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से उस टाइम पे कॉलरा एक बहुत ही बड़ा पैंडेमिक था, बहुत लोगों की इसने जान ली। नेक्स्ट पैंडेमिक इज स्पेनिश फ्लू, 1918 में ये फैला, इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक हुआ ये। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है H1N1 वायरस। ये वायरस हमारा जो है वो बर्ड से जो है वो ह्यूमन में आया, इसलिए हम लोग इसको जूनोटिक बोलते हैं। इसके बाद ये हमारा जो है लंग्स में अफेक्ट करता है, H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से। अगेन 2009 में स्वाइन फ्लू जो है फैला, लगभग 500 मिलियन पीपल की मौत का जो है कारण बना था ये स्वाइन फ्लू। द नेक्स्ट पेंडेमिक डिजीज इज HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि हमारा 2003
में जो है पेंडेमिक हुआ से लेकर 2009 तक। दिस वायरस अटैक ह्यूमन सेल एंड मेक पर्सन इन्फेक्टेड एंड कॉज अ डिजीज़ दैट इज़ कॉल्ड एड्स। जो है ये ह्यूमन में ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को वीक करता था ये, और स्पेशली सी डी फोर टी सेल्स को। हमने अभी तक के जो प्री लेक्चर्स में पढ़ा इम्यून सिस्टम में, सी डी फोर सेल्स हमारे हेल्पर टी सेल होते हैं, और हेल्पर टी सेल फिर हमारा बी सेल को एक्टिवेट करता है। इट मींस कि अगर हमारी टी सेल ही अफेक्टेड हो जाएंगी किसी वायरस से तो हमारा इम्यून सिस्टम पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए एचआईवी में जो डेथ होती है वो एचआईवी एड्स की वजह से नहीं होती है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में कॉज करता है, और फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ऑलरेडी वीक हो चुका होता है और वो सेकेंडरी इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ नहीं पाता और हमारी डेथ हो जाती है। तो ये डिज़ीज़ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल जो है इंटरकोर्स से फैलता है, और ये ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। ये बहुत ही ज़्यादा स्प्रेडिंग इसलिए नहीं है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन तो फैलता है, बट वाया ब्लड के कॉन्टैक्ट पर ही फैलता है, जैसे माँ से बच्चे को, या हम जो है शेयरिंग करें निडल्स का, निडल को जो निडल अगर किसी एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन को लगी है वही निडल किसी दूसरे पर्सन को हम इंसर्ट करें, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें बिना चेकअप किए हुए कि वो पर्सन एचआईवी से इन्फेक्टेड है नहीं, तो ये सारे, या हम टैटू बनवाएं और वहाँ पे हम लोग जो निडल है उसको स्टरलाइज ना करें, तो ये डिज़ीज़ जो है ये सारे इसके कॉज हैं, इन सब की वजह से ये फैलता है। नाउ इन 2020 अगेन, इस समय जो हम पेंडेमिक इरा में जी रहे हैं, ये एक न्यू नोबल वायरस जो है इंसर्ट हुआ है, दैट इज़ फ्रॉम बैट टू ह्यूमन। तो ये भी जूनोटिक है, सार्स कोविड 2 नाम है, और इसकी वजह से कोविड 19 डिजीज़ होती है। तो इस डिज़ीज़ का जो स्प्रेडिंग पावर है बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग इस समय बिल्कुल अपने घरों में बंद से हो गए हैं, क्योंकि एक इन्फेक्टेड पर्सन जो है लगभग मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट जो है एक बार में फैला सकता है, और ये ड्रॉपलेट एयर बॉर्न हो सकते हैं या फिर किसी सर्फेसिस पे चिपके हो सकते हैं, तो हमें डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट हो सकता है, और यहाँ पर इनडायरेक्ट स्प्रेड भी है। इनडायरेक्ट स्प्रेड कि हम किसी पर्सन ने अगर किसी चीज़ को इन्फेक्टेड कर दिया है, किसी टॉवल को या किसी बेड या घर के किसी सामान को इन्फेक्टेड कर दिया, और उसको हम डायरेक्टली बिना स्टरलाइज किए अगर हम उससे टच करते हैं तो ये वायरस हमको अफेक्ट करेगा। सो इसीलिए जितनी भी महामारी मैंने अब तक बताई आपको उसमें मोस्टली जो है लंग्स को हमारे अफेक्ट करती है, इसलिए मास्क पहनना, कीप डिस्टेंसिंग, डिस्टेंस को मेंटेन करना, एंड लगातार हाथ धुलते रहना, और जो है अपने आप को क्वारंटाइन करके रखना ही जो है इस पेंडेमिक इरा का एकमात्र सोल्यूशन है। होप सो मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।